सो है व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे तुम लोग। तो देखो यार, आज तुमको मैं बताने वाला हूँ फ्री फायर अनबैन के रिलेटेड एक गुड न्यूज। अभी देखो फ्री फायर अनबैन के रिलेटेड ना मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बना दिया है, बट देखो न्यूज ही ऐसा है मुझे बताना पड़ रहा है। और मैंने यार वादा किया था तुमको मैं बताने वाला हूँ हर एक गुड न्यूज जब यार फ्री फायर अनबैन के रिलेटेड कोई भी न्यूज निकल के आएगा। और इसके साथ ही मैं जो अनबैन के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ ना वो एकदम जेन्युइन होता है। और इसके साथ ही जो अनबैन के रिलेटेड वीडियो होता है ना उसको मैं बहुत ज्यादा बड़ा कर देता हूँ और तुम्हारा जो टाइम है उसको वेस्ट कर देता हूँ। कट कर देना प्लीज। तो देखो अभी मेन पॉइंट पर आते हैं। देखो तुमको मैं पहले एक इमेज दिखाता हूँ, इमेज दिखाने के बाद एक वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद ही बाद में बात करूंगा। तो ये है स्पोर्ट एशियन गेम 2022। देखो यहाँ पर 8 गेम है टोटल, 8 गेम के अंदर तुमको फ्री फायर नहीं दिखाई दे रहा होगा। अभी यार क्यों नहीं दिखा रहा है वो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ, बट अभी तुम ये वीडियो क्लिप देख लो। House, which is about developing a prudent ecosystem for esports. I would like to draw the attention of the house to the fact that out of the 8 games that are medal sports in the Asian Games 2022, 2 are banned in India by the Ministry of Electronics and Information Technology due to data pilferage concerns. अभी देखो यहाँ पर एशियन गेम का बात किया गया है कैसे हमारे इंडिया में भी e-sport बढ़े। अभी यहाँ पर एशियन गेम में ये भी बोला गया है, यहाँ पर टोटल 8 गेम एशियन गेम में है यहाँ पर प्लस। अभी देखो यहाँ पर यह भी बोला गया है एशियन गेम में टोटल 8 गेम है और 2 गेम इंडिया की तरफ से बैन कर दिया गया है। अभी देखो ऑब्वियसली यहाँ पर फ्री फायर का नाम तो है, उसके साथ पबजी का नाम भी शामिल है। तो देखो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर ई-स्पोर्ट का बढ़ावा दिया जाए ना तो यार काफी ज्यादा बढ़िया बात होगा। और इसके साथ फ्री फायर का जो बैन लगा है ना वो अनबैन भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर फ्री फायर प्लेयर है। देखो पबजी प्लेयर भी है बट फ्री फायर प्लेयर थोड़े से ज्यादा है। अभी देखो सिंपल सी बात है, जिस गेम में ज्यादा बंदे होंगे मतलब एक्टिव प्लेयर में ज्यादा होगा ना, उसके अंदर प्लेयर पे ज्यादा होने के कारण यहाँ पर स्पोर्ट प्लेयर भी बहुत ज्यादा होंगे। अभी देखो अगर यहाँ पर मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट की तरफ से बात होगा ना स्पोर्ट को लेके तो यार बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे हमारा जो स्पोर्ट सेक्शन है वो काफी ज्यादा ग्रो होगा इंडिया में। अभी देखो बहुत सारा बंदों का कंफ्यूजन होगा एशियन गेम में गरीना फ्री फायर क्यों नहीं है। देखो एशियन गेम में गरीना फ्री फायर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर चाइना के साथ ना सिंगापुर का ज्यादा अच्छा रिलेशन नहीं है, और यहाँ पर एशियन गेम चाइना में होने वाला है और चाइना ही ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, तो यहाँ पर इसलिए गरीना फ्री फायर का नाम यहाँ पर एशियन गेम में नहीं है। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री में स्पोर्ट का बात होगा ना तो यहाँ पर ये भी बात किया गया है 2 ऐसे गेम है जिसको बैन कर दिया गया है, तो 2 ऐसे गेम है जो बैन कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर गरीना फ्री फायर भी है। और सिंगापुर और इंडिया का रिलेशन भी बहुत ज्यादा खराब नहीं है, अच्छा खासा रिलेशन है। तो यहाँ पर अगर गरीना फ्री फायर कुछ भी करके प्रूव कर देता है अपना जो डेटा है उसको चाइना के साथ शेयर नहीं करता है, तब यार आई थिंक यहाँ पर जो फ्री फायर है वो इंडिया में रिटर्न कर सकता है। तो अगर यहाँ पर फ्री फायर प्रूव कर देता है ना चाइना के साथ कोई भी हमारा डाटा शेयर नहीं होता और यहाँ पर टोटली सेफ है प्लेयर्स का डाटा, और ऐसा इंडिया गवर्नमेंट क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लेयर्स को मिलेगा पैसा, उसके साथ मिलेगा नेम और फेम। और समझ ही सकते हो स्पोर्ट अगर इंडिया में आता है इंडिया का ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा इंडिया गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, अगर पैसा मिलता है तो कंट्री डेवलप होगा ना। तो देखो नीचे चैनल का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो बाय बाय।